हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। दुर्गा मेडिटेशन कर रही थी, योग निद्रा वाला। आज मेरा फास्टिंग भी है, मंडे इवनिंग है, तो थोड़ी सी टायर्ड हूँ। तो मेडिटेशन में एंड हो रहा था तो मुझे इन्फॉर्मेशन आया मैं इस सब्जेक्ट पे एक वीडियो बना दूँ। दो तीन दिन से मुझे दो तीन सिस्टर्स के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि डीएम की शादी हो रही है, डीएम की शादी हो रही है, पेन में हूँ, सगाई हो गई। देखिए सिस्टर, हम आपके पीड़ा, हम आपके पेन एक्सपीरियंस्ड है ना? क्योंकि आप सब जब मुझे कहते हो कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आप सब रेजोनेट करते हो, है ना? तो रेजोनेट तभी करते हैं जब सेम सेम जर्नी हो। डिवाइन ने हम सबको इसलिए मिलाया ताकि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं और आपको टीचिंग मिल जाए। जो गलती मैंने की वो आप ना करो, जो जानकारी मुझे नहीं थी वो आप ना करो। डिवाइन का इतना ही इच्छा होगा, है ना? तो आज मैं अपने बारे में आप सबको बता रही हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं मुंबई चली गई। बचपन से मुझे फिल्म एक्ट्रेस बनना था और मैं स्ट्रगल करने लगी। जो भी अच्छे फ्रेंड्स बने, सोलमेट्स टाइप, हेल्प भी करते थे, दूसरे जो नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोग होते थे उनसे बचाते थे भी थे। उसमें से मेरी एक बहुत प्यारी रश्मि नाम की फ्रेंड बनी जो मुझे बहुत एक बड़ी सिस्टर की तरह गाइड करती थी। उसे भी हीरोइन बनना था तो हम साथ में मंगला दीदी के क्लास ज्वाइन किए, डांस क्लास, सरोज खान जी के जो असिस्टेंट थी, मॉर्निंग में, जुहू में। तो ऐसे स्ट्रगल करते करते एक दिन मुझे डीएम से मुलाकात हुई। साउथ इंडियन पिक्चर में मैंने साइन कर लिया एज एन एक्ट्रेस बनने के लिए और हैदराबाद चली गई। शुरू हुआ जो मेरा सपना था वो फुलफिल होना ही था। तो मेरे डीएम जो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए, जैसे नेचुरल होते हैं, आप मिलते हो तो सबसे ज़्यादा कनेक्शन आप अपने अदर हब से ही फील करते हो। फिर हमारे फैमिली, उनके फैमिली, मेरे फैमिली, वो ऑलरेडी मैरिड थे तो फिर भी एज अ फ्रेंड, एज अ प्रोफेशनल कॉलिग्स, हमारे फैमिली, उनके फैमिली सब मिलने लगे। एक अच्छा रिलेशनशिप था। मैं उनके घर में जाकर रहती भी थी। उनके मम्मी मुझसे बहुत प्रेम करती थी। उनके मम्मी अपने हाथों से खाना बना के खिलाती थी उनके बेटे को, जो जो पसंद था, मुझे भी बिल्कुल वही वही पसंद था। तो उनको लगता था, अरे मेरे बेटे को जो जो पसंद है, इसको पसंद है वही खाना, इसको रोज़ खिलाओ। टिफ़िन भेजती थी, शूट पे मैं रहती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, कभी मैं बीमार रहती थी तो खुद आ जाती थी अम्मी, आके मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, बड़ा प्रेम करती थी। अम्मी नहीं रही इस दुनिया में, पर मेरे अवेकनिंग में बहुत हेल्प किया था उस टाइम पे। अम्मी बहुत सपने में आती थी। तो अब हमारी जो रिलेशनशिप था, उन्होंने कहा चलो शादी करते हैं। तो मैंने कहा शादी कैसे करेंगे, आप ऑलरेडी मैरिड हो, ऊपर से मेरे पापा ब्राह्मण हैं और आप अलग हो, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपकी वाइफ है वो भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हाउ कुड इट पॉसिबल। फिर भी जो डीपेस्ट फ्रेंडशिप या रिलेशन या प्रोफेशनल लाइफ में हम साथ में आगे बढ़े जा रहे थे, काम करे जा रहे थे, फिल्म में और भी दो तीन फिल्म बनाए जा रहे थे, तो हम तो कनेक्टेड थे ही बहुत, पर सबको बुरा लग ही रहा था। उनके फादर ले लो या उनके वाइफ ले लो, बबल फेस ब्रेक हुआ, उनके सारे रिलेशनशिप्स, उनके सारे जो भी कार्मिक फ्रेंड्स, जो भी कार्मिक चीज़ें थी, सब आके हावी होने लगे। कैसे भी हम दोनों को अलग करना ही था, फिर भी हम अलग नहीं हो रहे थे। वो घर पे जाते थे किसी भी कीमत पर, दिन भर ऑफिस में हम दोनों मिलते थे, ऑफिस में बैठते थे, सारे लोगों को पता था, उनके फ्रेंड सर्कल मेरे फ्रेंड सर्कल एक ही थे।
फिर आया कहानी में ट्विस्ट। जब कोई कुछ नहीं कर पाए तो फिर इनको बहुत इनसिक्योरिटी होती थी। मैं इनसे शादी भी नहीं करना चाहती तो इनको लगता था कि मुझे छोड़ के भाग जाएगी, क्या होगा। इनसिक्योर थे तो फिर उनके जो फ्रेंड्स भी थे इस टाइम पे, इनको पैसों का भी अपकमिंग बहुत होने लगा, है ना, फाइनेंशियली भी बहुत सिक्योर होने लगे। तो उनके जो फ्रेंड्स बने कुछ इधर उधर भटकाने लगे, लेके गए। फिर कुछ दिन बाद आके बोलते हैं, मेरी फ्रेंड ने बोला चलो तुम लोग का जो भी है चुपचाप से शादी कर लो, पेरेंट्स को भी बताने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा जब इतना डिपेस्ट लव है। मेरी फ्रेंड रश्मि, तो वो कन्विंस हो गए, बोले ठीक है, मुझे प्रपोज कर दिए कि चलो शादी करते हैं। मैं भी बेचारी सोचने लगी कैसे करेंगे, सबको छुपा के करना है। अच्छा ठीक है। फिर ना रश्मि ने बोला कि मुस्लिम में ना ऐसे ऐसे कपड़े लाना होता है, कुर्तीज ऐसे लेके आओ, ये चलो हम लोग ना जूती लेते हैं, जूती खरीदते हैं। उसको एक्सपीरियंस था, उसके हस्बैंड भी मुस्लिम। तो मैंने बोला ठीक है चलो, गए सब खरीदे वगैरह आए। 7-8 days पास हुआ तो आई वॉज नॉट हैप्पी कि ये जो मैरिज होने वाला है, बिकॉज मुझे लग रहा था कि बहुत टॉक्सिसिटी थी हम दोनों के बीच में, लड़ाइयाँ भी हो रहा था। तो मतलब अंदर से मुझे फील तो नहीं हो रहा था से सबको छुपा के शादी कर लूँ, तो बोल नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था अब जो भी है गॉड की मर्जी है, जो भी सिचुएशन है हमारे सामने करते हैं। तो कुछ दिन के बाद अचानक से आए और बोले सुनना, देखो ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है, प्लीज़ ना मत करना। मैंने बोला ठीक है बोलो। मुझे ना किसी और लड़की से प्यार हो गया है तो मैं ना उससे शादी करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैरिड था, किड्स थे, और एक शादी करना चाहता हूँ। मैंने बोला तुम्हें उनसे प्यार है? हाँ प्यार हो गया, पर तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तू कहीं जा मत, तू मेरे साथ ही रहना, लेकिन मुझे उससे शादी करना है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। दिल पे पत्थर रख के मैंने हाँ कर दिया। वो भी खुश होके चले गए और फिर बोले मेरी शादी है। तो मैंने बोला ठीक है। जो उनके लिए ड्रेस मैं अपने शादी के लिए लाई थी वो उन्हें गिफ्ट दे दिया और बोला आप कर लो शादी। और उन दिनों एक कोई पीछे पड़े थे, उनको कॉल किया और बोला आप बहुत दिनों से मुझसे मिलना चाहते थे, लेट्स मीट। चली गई कार्मिक से मिलने और फिर कार्मिक के साथ ग्रुप बना के रेगुलर डिस्को, है ना, पार्टीज, घूमने जाना, ये सब मेरे लाइफ में स्टार्ट हो गया। और भी लड़की फ्रेंड्स भी थी, सब मिलके ग्रुप बना लिया हम लोगों ने। इनको तो बहुत जलन होता था पर कुछ नहीं कर सकते, अब शादी कर चुके हैं। तो सोचो उसके बाद जो मेरे साथ होना था वो सब तो हुआ, कार्मिक से टॉर्चर एंड ऑल। इनको दूसरे वाइफ से किड्स होने वाला था तो मुझे और ईगो आया, अच्छा तुझे किड्स हो रहे हैं तो मैं भी शादी कर लेती हूँ। तो कार्मिक पार्टनर को बोला चलो शादी कर लेते हैं। फिर हमारे भी एक बेटी हो गई, यस आई एम सिंगल मॉम। तो कार्मिक पार्टनर जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तभी भाग गए थे बहुत टॉर्चर करके, तो बाद में मुझे पता चला, पर बेटी मेरी एंजल है, बेटी गॉड गिफ्टेड है। बेटी आने का, बेटी को मैं बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस भी करूँगी, आप सबको बताऊंगी भी वो आने का जो स्टोरी है। और पता है वो जन्म लेते जब 5 महीने की थी, सीधा हम लोग गए थे वृंदावन और कान्हा जी के मूर्ति मथुरा में, मथुरा वृंदावन में है जो कान्हा जी की मूर्ति है ना, वहाँ पे उस मूर्ति के साथ शादी हुई थी। तो ये सारी कहानी मैं एक दिन उसे इंट्रोड्यूस करूँगी, आप सबको सुनाऊँगी। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ
कि ये जो है ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होते हैं। जब उनको शादी होना होता है वो कर लेते हैं, जब उनको जो भी सिचुएशन हैंडल करना होता है वो करते हैं। आप रोक नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते, और जो लिखा होता है वो करना ही पड़ता है। लेकिन हम एक ही काम कर सकते हैं, जो उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैंने गलत स्टेप ले लिया था, कार्मिक के लाइफ में चली गई थी। आप वो गलती मत करो, आप अब इस वक्त इनर वर्क करके पहले अपना जर्नी कंप्लीट करो। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जर्नी कंप्लीट कर लो, फिर आप डिवाइन से जब कंप्लीट कनेक्टेड हो जाते हो तब तो सारी चीज़ आपके मुट्ठी में है, तो आपको किस बात की डर है ना? तो एक बार जर्नी कंप्लीट कर लो, खुद से जाके कुछ भी ऐसा स्टेप मत लो जिससे कर्मा क्रिएट हो जाए। जो गलती मैंने किया वो गलती आप सब ना दोहराओ। इसीलिए डिवाइन ने मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाके आज बिठाया ना, कि मैं आप सबको शेयर करूं, बताऊं कि क्या क्या सिचुएशन से, किस किस दौर से, किस किस पेन से, कितना पीड़ा से मैं गुजर के आज आके अवश्य डिवाइन के गाइडेंस में आप सबको टीचिंग दे पा रही हूं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब समझो, जो हो रहे हैं होने दो, अपने आप को स्ट्रांग स्ट्रांगेस्ट बनाते जाओ, ताकि मैं जितने साल तक पीड़ा में रही, आप बस कुछ महीने में उस पीड़ा से निकल जाओ। यही प्रार्थना है प्रभु से कि आप सबको समझ में आ जाए। और चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अब मैं जा रही हूँ, मुझे पूजा करना है, और टेक केयर, लव यू।